आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, खबर आप तक। बता दें कि थाना कप्तानगंज कस्बा निवासी अफजल का 25 वर्षीय पुत्र को मरा हुआ समझकर अज्ञात हमलावर अतरौलिया थाना क्षेत्र के केशवपुर पुल के नीचे नदी के किनारे फेंक कर फरार हो गए, जिसे सुबह स्थानीय लोगों ने जब ऐसी हालत में देखा तो 112 नंबर पर कॉल करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलिसा रानीपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल में होश आने के बाद आसिफ ने पुलिस को अपना नाम पता बताया, जिस पर पुलिस ने अब इसकी जानकारी परिजनों को देकर अस्पताल बुलवाया। आसिफ की ऐसी हालत किसने की है अभी तक पता नहीं चल पाया और परिवार की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। वैसे पुलिस गंभीर रूप से घायल आसिफ से पूछताछ जारी रखी है। परिजनों ने बताया कि 18 जनवरी की देर शाम आसिफ कप्तानगंज कस्बे में स्थित अपनी दुकान के पास मुंह धो रहे थे, तभी एक सफ़ेद रंग की बोलेरो से उतरकर कुछ लोग अज्ञात लोग उसको बोलेरो में बैठाकर कहीं लेके गए। तब से परिजन इसकी इधर उधर तलाश कर रहे थे, आसिफ को कौन लोग अपने साथ ले गए और क्यों इसे मरा हुआ समझकर फरार हो गए थे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। आइए सुनाते हैं क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर ने क्या कुछ कहा। रिपोर्ट नूर मोहम्मद आजमगढ़। पुनिया पास से घायल अवस्था में युवक मिला है, इसके बारे में? हाँ, इसकी उम्र लगभग 24 साल, ये मोहम्मद अफजाल करके है, ये पुरानी बाजार कप्तानगंज का रहने वाला है। इसको घायल अवस्था मिलने पे तुरंत पुलिस के सहयोग से इसको सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वहाँ से इसके परिजनों ने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल सिवा में एडमिट करवा दिया है। सर, घटनाक्रम क्या, जैसे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हमलावर रहते हैं, या क्या थे इसके बारे में? अभी इसमें कोई उसके द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। जो घायल है अभी बहुत अच्छी बोलने की स्थिति में नहीं था, तो अभी उससे पूछताछ नहीं की गई। पूछताछ होने के बाद उनके परिजनों से FIR लिख के विवेचना के द्वारा इसका निस्तारण किया जाएगा, जो भी इसमें कार्रवाई विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।